नमस्ते पटेल्स किचन में मैं कोमल आप सबका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे कलरफुल गुजिया। कलरफुल गुजिया बनाने के लिए मैंने यहाँ पर आटा बुन के लिया है। ये है 2 कप मैदा, उसमें स्वादानुसार नमक डाल के 1 चम्मच तेल गरम करके उसका मोहन डाला है और थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा बुन के लिया है। मैंने इस आटे को आधे घंटे के लिए सेट करने के लिए रखा था, अभी वो बहुत अच्छी तरह से सेट हो चुका है। इसको अभी 6 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। और इसमें सब में अलग अलग कलर डालेंगे। मैंने इसमें डाला है ग्रीन कलर, येलो, रेड यानी कि केशरी कलर, और बाकी सबको भी अलग से कलर डालेंगे। ऐसे अलग अलग कलर डाल के हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इसमें हमने सूखे कलर यूज़ किए हैं, एक मैंने वाइट ही रखा है और इसके अंदर मैंने लिक्विड कलर यूज़ किया है, एक ब्लू और एक पिंक। तो सबसे पहले मैं ब्लू कलर है वो मिक्स करके लेती हूँ। हमारी कलरफुल लोइया बनकर तैयार है। अभी इसे हम 2 मिनट के लिए साइड में रखेंगे। अभी हम बनाएंगे स्टफिंग। स्टफिंग के लिए मैंने यहाँ पर ये मिश्रण तैयार करके लिया है। इसमें 1 कप बेसन, उसमें 1/2 कप घी डालकर अच्छी तरह से अच्छी खुशबू आने तक भून कर लिया है, पका के लिया है। उसके अंदर मैंने 1/2 कप सूखा नारियल भून कर अच्छी तरह से ठंडा करके इसके अंदर मिक्स किया है। उसमें मैंने 1 चम्मच काले तिल, 1/2 चम्मच इलायची पाउडर और 1 कप पाउडर शुगर मिक्स करके मैंने मिश्रण तैयार करके लिया है स्टफिंग के लिए। यहाँ पर मैंने घी लिया है, इसके अंदर हम कॉर्नफ्लोर डालेंगे। और उसकी एक अच्छी पेस्ट बनाएंगे। ये कलरफुल आटे की हमने लोइया बना के रखी है। अब इस कलरफुल आटे के हम एक एक करके 6 रोटियां बनाएंगे, 6 कलर की। उसके लिए मैंने ये आटा लेके सूखा आटा लगा के एक रोटी को अच्छी तरह से बेलेंगे। इसी तरह हम सभी कलर की रोटियां बना कर लेंगे। इसी तरह हमारी सभी रोटियां बनकर तैयार हैं। बनाई हुई कॉर्नफ्लोर की पेस्ट लगाएंगे पूरी रोटी को बना पूरी रोटी को लगा कर लेंगे। अभी इसके ऊपर रखेंगे दूसरी रोटी। इस पर भी लगा देंगे कॉर्नफ्लोर की पेस्ट। अभी हम रखेंगे तीसरी रोटी। पेस्ट लगा के हो गई है। अभी इसका हम एकदम टाइट रोल बनाएंगे। इसी तरह रोल बना कर लेते हैं। इसे हम बीच में से काटेंगे और इसे और थोड़ा सा प्रेस करेंगे। उसके बाद हम इसके छोटे छोटे पेड़े बनाएंगे, 1-1 इंच के। आप देख सकते हैं 3 कलर के पेड़े बन चुके हैं। इसे हम बीच में से ऐसे प्रेस करेंगे और इसी तरह हम ये सारे पेड़े बना कर लेंगे, बाकी बचे हुए आटे के भी। इसी तरह हमारे गुजिया के कलरफुल पेड़े बनकर तैयार हैं, स्टफिंग तैयार है। बनाए हुए आटे में से हम एक लोई लेके
अच्छी तरह से उसे बेलेंगे। इसे बेलने के बाद हम इसे मोल्ड में डालेंगे। मेरे पास जो गुजिया का मोल्ड है इसके अंदर डाल के इसमें हम स्टफिंग भर देंगे। और इसका बॉर्डर में हम पानी या तो दूध लगा के इस बॉर्डर को हम बंद कर देंगे। आप देख सकते हैं। और इसे हम अच्छी तरह से दबा लेंगे। एक्स्ट्रा जो आटा है उसे हम निकाल देंगे, हटा देंगे। और इसे अच्छी तरह से प्रेस करके हम इसे मोल्ड से अलग कर देंगे। आप देख सकते हैं गुजिया कितनी अच्छी तरह से तैयार हो चुकी है। इसी तरह हम दूसरे कलर की भी एक लोई लेके उसे हम बेलेंगे। आप देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आ गया है। गुजिया हमने बना के लिया है, अभी इसे हम फ्राई करेंगे। घी को हमने अच्छी तरह से गरम करके लिया है। अभी इसके अंदर डालेंगे गुजिया और अच्छी तरह से धीमी आंच पर हम फ्राई करके लेंगे। तो फ्रेंड्स, कलरफुल गुजिया बनकर तैयार है। अगर ये रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट करना ना भूलिए। धन्यवाद।